हमारे साथ डोना बनर्जी मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज हैं और जो इस समय जो उभरते हुए तीरंदाज के खिलाड़ी हैं उनके सामने क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए इस बात को लेकर हम बात करते हैं। मैम, इस समय तीरंदाजी को लेकर आपको क्या लगता है कि कमियों का जो है झड़ का सामना करना पड़ रहा है? अभी जैसे हम लोग एशियन गेम्स का जो टीम ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया मोनोमेंट्स का एंड कंपाउंड ड्रिंक का दोनों टीम हम लोग कर जाएंगे एशियन गेम्स जो लास्ट अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ हम लोग का वर्ल्ड कप जहाँ पर आप लोग को देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा मेडल मिला है हम लोग को इंडिविजुअल भी मेडल आया है टीम का भी आया है तो उसमें जो भी है मैक्सिमम जूनियर प्लेयर अभी टीम में आना शुरू किया है क्योंकि सीनियर लोग काफ़ी रिटायर हो गए उसकी जगह जूनियर आ रहे हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं तो फैसिलिटी वाइज जो अगर कंपेयर किया जाए जब हम चलाते थे उस हिसाब से आज का तो काफ़ी फैसिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट से मिल रहे हैं एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसका पहले अराउंड 1 मंथ के लोग बाहर ट्रेनिंग किया उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग किया हुआ है तो प्लेयर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जैसे लगता है हमें एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा मेडल भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा नेक्स्ट ईयर हम लोग ओलंपिक है जिसमें हमें फर्स्ट जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ वहाँ से हम लोग क्वालिफाई नहीं किए बट अभी काफ़ी ज़्यादा ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है जहाँ हम लोग का कोशिश रहेगा कि मेन एंड वुमेन टीम दोनों टीमें क्वालिफाई करें मैम तीरंदाजी के खेल को लेकर अभी भी युवाओं में इतना उत्साह नहीं है और ऐसे भी माना जाता है कि कोचिस की भी कमी है सबसे ज़्यादा कमी जो कोच है तीरंदाजी की है क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे बढ़ सकते हैं? कोचों का संख्या तो देखिए हर साल ही रिक्रूटमेंट हो रहा है सब उसमें कोचेस हो रहा है लेकिन माने एक्सपर्ट कोचेस का कमी हम बोलेंगे जो एक्सपर्ट कोच जो है मतलब नॉर्मल मेनली एक्सपर्ट कोच उसी को ही बोला जाएगा जो प्लेयर काफ़ी एक्सपीरियंस है जो इन फ्यूचर जाके कोचेस टीम लेंगे उसका एक्सपीरियंस काफ़ी काम में आता है तो उसमें से अभी तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा जो भी है अपने आप को जो भी उसमें भी जैसे जितना टूर्नामेंट आप खेलेंगे प्लेयर का एक्सपोजर होता है आप जितना प्लेयर को टेक्निकली टीचिंग देंगे सर आज गलत हो रहा है कल उसको क्यों हुआ फिर उसको अगर स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट अपने इम्प्रूवमेंट आएगा तो सभी कोचेस को भी अपना अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को और बेटर करने के लिए क्योंकि कंट्री दूसरा कंट्री काफ़ी इम्प्रूव करते जा रहे हैं मलेशिया लाइक मलेशिया और चाइना हाँ चाइना तो है ही आगे चाइना को भी आगे है बट हम लोग उनको भी डिफीट भी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है लेकिन हमें अगर अपना जगह वर्ल्ड लेवल में पकड़ के रखना है तो हमें भी चारों तरफ से अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो उस रिजल्ट को हम लोग और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उसको पकड़ के रखना है तो उसका प्लेयर को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कभी भी कोई भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है कोच वहीं पे उसको पकड़ के उसका स्कोर डाउन ना जाए उसका कंट्रोल कोचेस का पास होना चाहिए तो धीरे धीरे सब चीज़ में फेडरेशन गवर्नमेंट नज़र दे रहे हैं आई थिंक धीरे धीरे सब चीज़ में खुद एक अच्छी आर्चरी खिलाड़ी रही है क्या क्या बताना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी की कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है आर्चरी कैसा खेल है कि आपको बहुत ज़्यादा एक निशाना सहारा हुआ है आपको सांस लेने तक पर आपको कंट्रोल करना पड़ता है क्या संदेश देना चाहेंगे किस तरह की एक्सरसाइज जो बच्चे करेंगे वो अपना खेल बहुत मेन तो है आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस जितना होगी आपका जितना फिजिकल फिटनेस होगा मेन पॉइंट जहाँ पर आप जितना एरोज प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पता चलेगा कौन सा मेरा अच्छा शॉट है कौन सा मेरा खराब शॉट है उसके साथ में कॉन्सेंट्रेशन आज जो आप बोल रहे हो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे गेम के लिए आपको फोकस रहना चाहिए तो आप जब टूर्नामेंट खेलेंगे आपको बहुत ही काम रहना पड़ेगा क्योंकि आपका हार्ट बीट जितना तेज होगा आपका रूटीन के ऊपर उतना इफेक्ट हो जाएगा उसमें तो आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है ये सभी प्लेयर का अपना अपना ऊपर होता है कि मुझे कैसे अपने आप को अपना माइंड को अपना कंट्रोल में रखना है क्योंकि एक एक शॉट हम लोग का मैक्सिमम 7-8 सेकेंड के अंदर एक शॉट हो जाता है हम लोग का तो उस टाइम में आपको वेट पोजिशन भी चेक करना पड़ता है आपको अपोनेंट कितना लीड में है वो भी चेक करना पड़ता है आपको अभी शूटिंग कैसे करना है आपका फॉर्म मतलब बहुत कम टाइम के अंदर 20 सेकेंड में हमें एक एरो करने को तो उस जगह पर अपने आप जो जितना कंट्रोल
करके शॉट मार सकते हैं, इतना परफेक्शन होगा वो उस टाइम में वही जीतेगा, ऐसा मतलब नहीं है जो हार गया शायद उस दिन में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई तो फाइनल तक नहीं पहुँच पाता, अंदर उतना पावर था तो कभी लगता था कि उस जगह पर वो पहुँचा, लेकिन उसको कंट्रोल करने का अपने आप अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग माइंड है, अपना तरीका एडवांस ट्रेनिंग हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट अपने लोगों के साथ रहता है, उनका ऐसे डिपार्टमेंट है तो उनका स्टडी करते हैं उसको। आर्चरी के भी कुछ टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके, और टूर्नामेंट अभी काफ़ी हो रहा है, हम लोग इंडिया में भी काफ़ी टूर्नामेंट हो रहा है, काफ़ी रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत सारा जो हम लोग का वर्ल्ड कप सीरीज होता है उसमें भी हमारा टीम सबसे पार्टिसिपेट करें, टूर्नामेंट का कमी नहीं है जो हम लोग का टाइम में होता था, बट अभी टूर्नामेंट काफ़ी है, टूर्नामेंट उसको अभी समझना पड़ेगा कौन सा टूर्नामेंट को मुझे प्रायोरिटी देना है, कौन सा टूर्नामेंट को प्रायोरिटी, क्योंकि साल भर टूर्नामेंट खेलने से तो अपना टेक्निकली भी अपना जगह को ठीक रखना है, तो प्रायोरिटी हिसाब से फिर कोचेस प्लेयर को समझ कर टूर्नामेंट आर्चरी के खिलाड़ी को, क्योंकि आखिरी बहुत पॉपुलर हुआ है आर्चरी, पहले जिसको आर्चरी बोलने से आधा आदमी को पता नहीं चलता था तो कौन सा स्पोर्ट्स है, बट अभी आर्चरी बोले से एक नाम से सभी समझ जाते हैं, तो हर स्टेट में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, हम चाहेंगे जो और भी नया बच्चे लोग गेम में आए, इसको सीख के इस गेम को फ्यूचर प्लेयर और अच्छा बने, हम लोग का जितना नंबर ऑफ प्लेयर ज़्यादा रहेगा, जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, उतना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, उतना स्पोर्ट का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, तो जितना पेरेंट्स लोग दूसरा पॉपुलर गेम छोड़ के अगर आर्चरी में आए तो उनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होगा, काफ़ी लोग अभी स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के हिसाब से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ इन फ्यूचर बहुत इम्प्रूव करेगा, स्टडी के साथ साथ आर्चरी करें जिसको जो स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स कंपल्सरी होना चाहिए, स्पोर्ट्स कंपलसरी होना चाहिए सबके साथ, ऐसा कहना डोना बनर्जी का। अब देखना होगा कि जिन्होंने कहा है कि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं और जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को आर्चरी की तरफ आकर्षित करें, उनको भेजें, और जो भी उनको सुविधाएँ का जो नहीं मिल पा रही है उसके लिए सरकार से भी उम्मीद है कि वो बच्चों को सुविधाएँ देकर उनको आगे बढ़े, और हमारे यहाँ पे ग्रास रूट पे सुविधाएँ काफ़ी बड़ी हैं, पहले जो चीज़ें दिक्कत थी वो चीज़ें दिक्कत को हुई हैं, प्रति और सुधारी गुंजाइश है, जिस तरीके की हम सोच सकते हैं कि भाई हमने ओलंपिक में टॉप 10 में शामिल होना है मेडल पहले, तो वो तभी संभव होगा जो हमारा ग्रास रूट मजबूत होगा, और आज के दौर में जो खिलाड़ियों को ये सोच बदलनी है, पहलवान की या किसी और खिलाड़ी की, मैं कसर पहलवान किसी बोलो के लगातार 4 ओलंपिक में मेडल कुछ चीज़ में मिला है, 2008 में 2012 में 2016 में और अभी टोक्यो ओलंपिक में, तो सोच के ऊपर बड़ा निर्भर करता है, सोच बदली है तो मेडल बढ़े हैं, अभी वर्ल्ड जो है जूनियर की अंडर 20 चैम्पियनशिप थी वर्ल्ड जूनियर की, जिसमें हमारी बड़ी सफल करना चाहिए, लड़कियों ने जो 3 चैम्पियनशिप जीती है वर्ल्ड जूनियर में, 7 मेडल आई है, पहली बार ये इतिहास है रखा गया है जिसमें एक लड़की अंतिम कमारेस ने 2 गोल्ड लगातार जीते हैं, पिछले बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, पहली महिला पहलवान थी वो, और इस बार दूसरी बार फिर उसने कमाल किया है, ऐसी लड़कों में मोहित लड़का है वर्ल्ड चैम्पियन बना, गरीब कोरोमन में भी पहली बार आज फाइनल खेलेगा हमारा एक लड़का सुमित है, तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, हम चाहते हैं कि ये भी एशियन गेम में कर रहे और 2024 से मतलब पेरिस ओलंपिक होगा उसमें भी जो लगातार सिलसिला मेडल का हमारा है वो ऐसे ही निरंतर जाएगा। जी किस तरह की सुविधाएँ और मिलनी चाहिए, देखिए सबसे बेसिक चीज़ होती है जो करते हैं जो कार्य करते हैं उसमें अच्छी कोचिंग हो, पहलवान की बात हो या कबड्डी की हो, बॉक्सिंग हो, किसी भी गेम की हो, तो जब तक उसका कोचिंग का स्तर नहीं करेगा, जब तक खिलाड़ी बड़े लेवल तक नहीं पहुँच सकता, सोच बड़ी हो, ओलंपिक मेडल जीतने की हो, कोचिंग अच्छी हो, मेडिकल सुविधा अच्छी हो, और गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, मेरा सोच भी कर रही है, बड़ा भी और सुधार भी सुन जाएगी, खिलाड़ियों जो अच्छी सुविधाएँ उसको लेकर उनके बने रहती है उसको सारी ग्रास रूट में शामिल होते हैं, और बच्चा जब एक स्टेट से नेशनल लेवल पर आता है तो उसको सुविधा मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और आज के टाइम में तो अंडर 15 से ही एशियन चैम्पियन इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं, 15 के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते हैं, और बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो पहले स्टेट के स्तर नेशनल के तौर इंडिया कैम में आता है, और इंडिया कैम में आते ही बच्चे को सुविधा मिलने लग जाती है, उसके बाद भी हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो गाँव स्तर से बच्चे निकल रहे हैं छोटे बच्चे हैं, हम क्या वर्क होना चाहिए,
अच्छी कोचिंग और अच्छी डाइट के करवाने करते हैं, अच्छी डाइट कोचिंग और अच्छी मेडिकल सुविधा। एक सवाल महत्वपूर्ण है, ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रकरण चल रहा है और ऐसा कुछ सुनने में आया है कि जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है तीनों पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं या जो भी चलता रहा उसको लेकर कुछ कुश्ती के प्रति जो परिवार के अपने बच्चों को कुछ उनका मन हटा है कि वो इससे थोड़ा दूर दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनके मन में एक चिंता और डर का भाव बना और कुछ अखाड़ों में पता लगा कि लड़कियाँ कम भी हुई हैं। ये बड़ी कुश्ती के लिए बड़ा बुरा दौर था ये, जिस तरीके की भी ये पीछे प्रकरण हुआ था ये, इस मामले में अगर नेगेटिव में देखेंगे आप तो बड़ा बुरा दौर है कुश्ती के लिए। अच्छा, जो जो कमेटी बनी थी स्कूल प्रकरण की जांच करने को लेकर उसमें क्लीन चिट दिया है, पर ये चाहे कि इन पैरों को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए क्लीन चिट की बात ये है कि जो कमेटी और साइड कमेटी बनी थी उसकी उसने पूरी पूरी रिपोर्ट सरकार को दे दी, जिसने भी जो आरोपी था उसकी भी बात सुनी, जिसने आरोप लगाया था उसकी भी बातें सुनी गई थी, जो भी उन्होंने अपने पक्ष रखा था दोनों सर बताओ पक्ष भी और जिन्होंने इल्जाम लगाए थे वो भी, वो सारी चीज़ें सरकार को दे दी गई थी। सरकार ने उसकी चीज़ें देखी होंगी और तो वो चीज़ें पीछे रह चुकी है क्योंकि अब तो एफ आई दर्ज हो चुकी है और उसके बाद भी कोर्ट में केस है, अब तो हमें माननीय न्यायालय के ऊपर अपना जो भी निर्णय देगा जो भी निर्णय देगा वही परिवार वालों जो लड़के पेरेंट्स से विश्वास है वो बड़ी जरूरी चीज़ है क्योंकि कुश्ती बड़े अच्छे दौर में बाकी अच्छे दौर कैसे लूटेगा क्या प्रयास करेंगे आपके इस तरह से क्या होगा। देखो हम तो जैसे पहले बोलते थे अगर किसी के साथ भी कोई दिक्कत होती है तो उसको बोलना चाहिए, हम अगर हम अपने आप खुद की लड़ाई नहीं जीत सकते तो आगे क्या लड़ाई लड़ेंगे। और कुश्ती तो ऐसा खेल है जहाँ पे ताकत का खेल है, बड़ा बोल्डनेस का खेल है, क्योंकि आप देखोगे तो अगर दमलम देखो तो लंगोटी मान के लिए अखाड़े में जाती है लंगोटी जाए तो उसमें भी ताकत का खेल है और वो चीज़ खेल कि सबके सामने हम कैसे भी बोल सकते हैं और एक मीटर पहन के कुश्ती लड़ते हैं तो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हालात सुधरेंगे आगे आवाज़ देखिए अब इसके बारे में आरोप है वो न्यायालय करेगा, हम उसको कहने सही ठहरा सकते ना, मुझको सही ठहरा थे ना उसको गलत ठहरा थे, किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो अभी कोर्ट में मान को देख रहा है, मतलब ये है कि किसी के साथ कुछ गलत होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर ब्रदर नारंग सिंह हमारे साथ उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आजकल जो शूटिंग की जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही है उसको लेकर क्या कहते हैं ब्रदर जी, मौजूदा हालात में जो शूटिंग की खिलाड़ी है इन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं जिनका अभाव होगा। बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं हमारे टाइम पर, तो हमको जब हमारे प्रतियोगिता के लिए बंदूक इम्पोर्ट करनी पड़ती थी तो दो तीन साल वेट करना पड़ता था और जब तक बंदूक आती थी तब तक पुरानी हो जाती थी या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती थी, तो हम मैदान में एकदम हैंडीकैप लेके उतरते थे, बट अभी जो है बेसिकली मिड से पहले आपको बंदूक मिल जाती है और सही टाइम पे आपको सही ट्रेनिंग मिल रही है, तो जो विद्या हमने अपने टाइम पे हासिल करी थी उनमें से कई सारे शूटर्स जो हैं जो कोचेज बन गए हैं और उनकी जितनी भी नॉलेज है वो अब सिस्टम में वापस आने लगती है, जिसकी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिल रहे हैं और काफ़ी बड़े मेडल मिल रहे हैं। हाल ही में कल ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक और महिला ट्रेनर वगैरह है, फिर हमें कोटा प्लेस मिला है अगली ओलंपिक्स के लिए, और मैं मानता हूँ कि अभी प्रतियोगिता चल ही रही है और दो तीन और कोटा प्लेस आने की संभावना है और मेडल तो आई रहे हैं, वुमेंस टीम में मिला हमें और मेडल्स में भी हमें अच्छा करने को मिल रहा है, क्रिस्टल और आईटी जो है अच्छा कर रही है, फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, सरकार अच्छा सपोर्ट कर रही है, टॉप से पूरा सपोर्ट है, फेडरेशन से पूरा सपोर्ट है। अच्छा गगन जी, जो शूटिंग है इसको महंगा थोड़ा बताया जाता है कि बट काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी जो गलत भी खर्चा होता है, तो देखा जाता है गरीब परिवार के जो लोग हैं जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो इसकी तरफ मतलब नहीं जा पाते, तो क्या फाइनेंशियली कुछ सरकार की मदद करनी चाहिए। देखिए मैं ऐसा नहीं मानता कि मतलब कि अब इस ज़माने में इतना महंगा रह चुका है, आई थिंक अब अगर आप मेडल्स देखें और अगर आप भारतीय निशानेबाजी की टीम देखें तो काफ़ी ऐसे शूटर्स हैं जो गरीब परिवार से मध्यम वर्ग के परिवार से हैं,
तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है देश में कि परिवर्तन मिल रहा है, सरकार जो है हर लेवल पर सपोर्ट कर रही है। जो हम पहले अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि उस लेवल पर हमें सपोर्ट मिलेगा अपने स्कूल या कॉलेज में, आज वो सपोर्ट भी मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो सरकार बहुत ही अच्छा तरह से काम कर रही है और आगे ये काम जो है जोरों शोरों से बढ़ेगा। और मेरे ऐसा अनुमान है कि मैं और बहुत बेहतर तरीके से स्कूल कॉलेज में शूटिंग बहुत ही अच्छी सोच है। आई थिंक देखो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला गुरु जो है वो आपके माता पिता होते हैं, उसके बाद जो आपके स्कूल में टीचर होती है वो होते हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स देखने तो आपकी पीटी टीचर आपका गुरु बन जाती है। तो आज जो है इतने इंटरनेशनल लेवल के कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं देश में, बैडमिंटन में है, शूटिंग में है, आर्चरी में है, फुटबॉल में है, स्विमिंग में है, तो उस वजह से जो है कोचेस की नॉलेज भी अपडेट हो रही है स्कूल लेवल पर, जिससे जो है हमें बेहतर खिलाड़ी और बेहतर प्रशिक्षण जो है वो स्कूल लेवल पर मिल रहा है। और उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप मिल रही है खेलो इंडिया से, आपको फिट इंडिया मूवमेंट आपका अलग चल रहा है फिटनेस के प्रति, तो काफ़ी अच्छी मुहिम है, आगे अच्छा करेगी। उभरते खिलाड़ी को संदेश देना चाहेंगे? बस ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी होती। आई थिंक एक खिलाड़ी पार्टिसिपेशन और मेडल में इतना ही अंतर होता है कि जब सब हार मान लेते हैं वो खिलाड़ी हार नहीं मानता, कहता है कि मैं एक सेकंड और मैदान में खड़ा रहूँगा और तभी जीत मिलेगी। एक सेकंड और खड़ा रहूँगा तभी जीत मिलेगी, ऐसा कहना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शूटर हैं मगर नारंग का आप देखना होगा, इनकी जो अपील है तो उभरते खिलाड़ियों को अभी हार नहीं माननी चाहिए, वो कितना कुछ। कैमरामैन शिवम के साथ प्रेम शंकर जनवाणी, न्यूज़ मेरठ।